पूरे उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला कांड ने तहलका मचाया हुआ है। बुलंदशहर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में फर्जी तरीके से नियुक्ति पाकर अनामिका शुक्ला के नाम पर नियुक्ति का एक मामला बुलंदशहर में भी प्रकाश में आया था। अभी उस अनामिका शुक्ला तक महकमा पहुंच भी नहीं पाया, क्योंकि महकमे के अधिकारी टीम का गठन कर जांच का दावा करते रहे। लेकिन वहीं अब ऐसे में दो और फर्जी नियुक्ति के मामले सामने आए हैं। प्रीति और अंजलि नाम की दो टीचर भी फर्जी नियुक्ति पाकर वर्षों बुलंदशहर के कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाकर और वेतन लेकर फरार हो गईं। और शिक्षा विभाग के अफसर अभी भी जांच ही कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। शासन की मंशा के मुताबिक अब फर्जी अनामिका नाम के अध्यापकों की मुश्किलें बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि जेल जाने के साथ साथ फर्जी टीचरों से मानदेय के रूप में दी गई सैलरी भी वसूली जाएगी। बुलंदशहर जिले की अगर बात की जाए तो बुलंदशहर में सियाना तहसील के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अनामिका शुक्ला नाम से वार्डन का आज तक भी विभाग पता नहीं लगा पाया। इस फर्जी अनामिका शुक्ला ने सियाना कस्तूरबा स्कूल में 25 जुलाई 2018 से 14 मई 2019 तक काम किया और मानदेय भी सरकार से लिया। हालांकि अब एक पूरे प्रकरण में FIR दर्ज की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि जो भुगतान उसने इस दौरान यहां से पाया है उसकी भी रिकवरी की जाएगी। अफसरों का कहना है कि मुकदमा लिखे जाने की तैयारियां यहां की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर फर्जी अनामिका शुक्ला की जांच करते करते विभाग को दो और फर्जी शिक्षिकाओं की जानकारी मिल रही है, जिनमें एक खुर्जा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में गृह विज्ञान की अध्यापिका थी, तो वहीं दूसरी शिक्षिका लखावटी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में साइंस की टीचर थी। सूचना के बाद से ही दोनों शिक्षिकाएं फरार हैं। इतना ही नहीं, विभाग के पास इनकी कोई जानकारी भी नहीं है। माना जा रहा है कि पिछले कई सालों से दोनों ही फर्जी तरीके से नियुक्ति पाकर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी कर रही थी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि विभाग के पास अभी ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे इन्हें पकड़ा जाए। हालांकि बुलंदशहर BSA अखंड प्रताप ने जांच टीम को दोनों शिक्षिकाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए टीम को फर्रुखाबाद और हरदोई भेजा था, ताकि दोनों फर्जी टीचरों ने जिन स्कूलों के प्रमाण पत्र नौकरी पाने के लिए उपयोग किए थे वह सही है या गलत, टीम ने फर्रुखाबाद जाकर अंजलि के प्रमाण पत्रों की जाँच की तो पता लगा कि अंजलि नाम की किसी लड़की ने इस विद्यालय से पढ़ाई ही नहीं की है। ऐसा ही मामला हरदोई जाकर भी प्रीति के बारे में सामने आया, जहां पता चला कि इस नाम की लड़की ने भी कभी उनके यहां पढ़ाई ही नहीं की और यह प्रमाण पत्र फर्जी हैं। जिसके बाद टीम को वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अनामिका शुक्ला के नाम से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में तैनात रही अनामिका का तो फोटो तक भी विभाग के पास नहीं है, जबकि अब तो दो और शिक्षिकाओं का मामला सामने आया है। ये मामला तो पता नहीं, पर मतलब सुना है उनके कागज जो है फर्जी हैं, और वो 11 जून में आई थी, 12 की शाम को चली गई थी ये बोलकर कि उनके ससुर की तबीयत खराब है, एडमिट है वो, और ये मुझसे ये बोलकर गई थी कि मैं 18 तारीख में आऊँगी अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने, क्योंकि 19 तारीख में डॉक्यूमेंट चेक होने थे हमारे सबके BSA ऑफिस में। 18 की शाम के लिए बोल के गई थी, लेकिन 12 तारीख की शाम से ही उनके स्विच ऑफ आ रहा है फोन। जब मैं बुलंदशहर के कस्तूरबा में एक अनामिका नाम से जो है वार्डन के रूप में जो है जुलाई 25 जुलाई से लेकर के जो है 25 जुलाई 2018 से लेकर के 14 मई 2019 तक कार्य किया है, और जांच में प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि कागज तो था अनामिका का, लेकिन उसके नाम पर जो है दूसरा कर रही थी। इस बारे में 3 खंड से जानकारियों का हमने टीम बनाया था और जांच रिपोर्ट मिल गई है, और उसके जो है उसकी क्या
कोर्ट रचित है वो पुष्टित हो गई है और हमने खंड शिक्षा अधिकारी सयाना क्योंकि काफी वर्षों से दो ही ब्लॉक में कार्य कर रही थी उन्हीं को जो हमने एफआईआर के जो है आदेश दे दिए हैं, शीघ्र ही एफआईआर हो जाएगा। दूसरे है जब यहाँ पर उसको बहम की स्थिति जब बन गई और संदिग्ध अवस्था में कई जनपदों में हो रहा था तो हमने जो है सभी जो है कस्तूरबा का जो है जाँच कराने का जो है अभिलेखों का जाँच करने के लिए निर्देश दिया और शासन का भी यही निर्देश था और उस क्रम में जब जाँच होने लगी इसमें से दो लोग जो है अपने मूल अभिलेख को जमा कराने नहीं आए जबकि सभी जितने भी कर्मचारी हैं सभी अपना मूल अभिलेख जो है जमा कर रहे थे। तो उसमें एक जो है लखावटी की जो है एक रीति थी सहायक अध्यापिका विज्ञान की और कस्तूरबा खुर्जा की जो है एक अंजलि थी उसका विषय था गृह विज्ञान। ये दोनों लोग जो है अपना मूल अभिलेख जमा नहीं कराने, जब फोन किया जा रहा था तो जो है ये अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, इसे हमें संदेह हुआ और इस संबंध में हम दो खंड शिक्षा अधिकारी को वहाँ भेजे कि जरा इनके काले से जाकर के पता लगाइए कि ये जो है उन्हीं के वास्तविक जो है मूल अभिलेख है कि वहीं से किए हैं कि नहीं। नहीं, उन लोगों की रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि ये जो है का ये दोनों लोग जो है दूसरे के कागजात पर नौकरी कर रहे हैं। इस संबंध में जो है हमने तुरंत संज्ञान लिया है और ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो है एफआईआर बन रही है, भी जाकर के उनको बर्खास्त होगी, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होगा, रिकवरी होगी है। अभी उसके बारे में जो है अभी भी जो है अभिलेख मंगाए जा रहे हैं और कितना मान दे दिया गया है बैंक को लिख दिया गया है कि वहाँ से स्टेटमेंट आ जाएगा, इसकी पूरी जो है स्पष्ट जानकारी मिलेगी, स्पष्ट जानकारी के बाद आपको हमको बता। इसके लिए जो है एक जो है संबंधित था अंजलि का जो था ये फरुखाबाद और प्रीति का हरदोई था, तो दो खंड से अधिकारी वहाँ पर गए थे विद्यालय में और वहीं से स्पष्ट पता चला कि जो है ये जो है दो ये दोनों लोग दूसरे के कागजात पर कर रही थी। उनकी यही वजह थी कि जब है जब स्पष्ट हो गया और हमने आदेश दे दिया जबकि वह खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में सयाना कई वर्षों से रही, भले तो दोस्त यही था कि जो है उनको हर बार उनकी कई बार निरीक्षण की गई और वहाँ की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखना चाहिए था और अगर इस तरह की कोई बात थी तो तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताना था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और पुनः मैंने जब उसके खिलाफ जब पूरी स्थिति पुष्टित हो गई कि वह दोषी है उसके खिलाफ हमने जो है उनको आदेश किया कि तत्काल आप एफआईआर प्राथमिकी दर्ज करावें, लेकिन अभी तक जो है 5 दिन हुआ है, 6 दिन हो गया, उन्होंने अभी एफआईआर दर्ज नहीं किया। अपने आदेश की अवहेलना तथा टाल मटोल करना और जानबूझकर विलंब करना, इस आरोप में उनके हमने अग्रिम आदेश तक जो है वेतन अवरुद्ध कर दिया है। ऐसे में विभाग में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह का कहना है कि गहनता से जांच करा रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि एक टीम का गठन किया गया है और इसमें तेजी से टीम अपना काम कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिले में फर्जी तरीके से नियुक्ति पाने वाले ये फर्जी टीचर और वार्डन किस आला अधिकारी के रहमोकरम पर नौकरी करते रहे और वेतन भी पाते रहे और उनको पकड़ा क्यों नहीं गया। अब जब यहां से यह शिक्षिकाएं फरार हो गई हैं तो ऐसे में विभाग अंधेरे में सुई ढूंढने का काम कर रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।